नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, बिहार में जिस तरह से अपर मुख्य सचिव के पाठक बनाम शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बीच लड़ाई चल रही थी, उसका अब अंत माना जा रहा है। अंदरखाने से खबर जो निकल के आ रही है उसके अनुसार के पाठक मंत्री चंद्रशेखर पर भारी पड़े हैं। आज सुबह से जो है बिहार की सियासत में शिक्षा मंत्री बनाम के पाठक को लेकर सियासी उठापटक रही, जहां बीजेपी लगातार हमला कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस मसले को कैसे सुलझाया जाए इसको लेकर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार काम पर लगे थे। सबसे पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वो सीधे सीएम आवास पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हुई। इस दौरान नीतीश कुमार के साथ वहां पे ललन सिंह और विजय चौधरी भी मौजूद थे। इसके बाद के पाठक को तलब किया गया, के पाठक को भी सीएम आवास पर बुलाया गया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने तमाम मसलों को जाना समझा कि आखिर मामला क्या है। उसके बाद नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल इस मामले को लेकर नीतीश कुमार की राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बातचीत हुई, और बातचीत में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है। वो फैसला है कि अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया जाएगा, यानी कि के पाठक जो है वो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर भारी पड़े हैं। इस मामले को लेकर राजद जहां शिक्षा मंत्री का पक्ष ले रही थी, राजद के जितने भी प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो ठीक हैं, अपर मुख्य सचिव पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जदयू के नेता जो हैं वो के पाठक के पक्ष में बयान दे रहे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार जो हैं इस मामले में उन्होंने हस्तक्षेप किया और इस मसले को लेकर उन्होंने खुद राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बातचीत की। और इस बातचीत में कहा जा रहा है कि हल ये निकला कि चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया जाए, क्योंकि चंद्रशेखर जिस तरह से लगता अपनी बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर बयान दे देते हैं, कभी ब्राह्मणों को लेकर बयान दे देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लगातार असहज हो रहे थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग किया और के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया, जिसके बाद के पाठक किस मिजाज के आईएएस अफसर है इसके बारे में पूरा बिहार जानता है। वो जिस विभाग में रहे हैं, करक रहे हैं, जमकर उन्होंने काम किया है, और उनकी भिड़ंत जो है शिक्षा विभाग के सर्वेसर्वा यानी कि शिक्षा मंत्री से ही उनकी भिड़ंत हो गई। जिसके बाद लेटर जारी करके भी ये बताया गया कि जो शिक्षा मंत्री के पीए हैं वो विभाग में नहीं आ सकते हैं, यानी कि जो लड़ाई है वो खुलकर सबके सामने आ गई थी। जिसके बाद नीतीश कुमार चिंतित थे, नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आए, जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष को फायदा, यानी कि बीजेपी का फायदा। लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं कि नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को लेकर कैसा रुख रखते हैं, तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार ने के पाठक का पक्ष रखा, उसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश के फैसले पर हामी भर दी, और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर का विभाग बदला जाएगा। चंद्रशेखर को जो है पर्यटन विभाग भी दिया जा सकता है, जो कि तेजस्वी यादव के पास है। इसके अलावा जो है कि गन्ना विभाग जो है उसे भी चंद्रशेखर को दिया जा सकता है, और शिक्षा मंत्री अब कौन बनेगा इस पर भी कई नामों की चर्चा हो रही है, जिसमें अशोक चौधरी का जो नाम है वो आगे बताया जा रहा है। तो देखिए, ये अंदर खाने से ये बड़ी खबर है कि के पाठक जो हैं वो चंद्रशेखर पर भारी पड़ रहे हैं, और चंद्रशेखर का जो विभाग है उसे बदल दिया जाएगा। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।